साथियों, बीजेपी सरकार ने बीते 9 वर्षों में जो देश का इतना विकास किया है वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की लूट के रास्तों को ही बंद कर रही है। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने आधुनिक हाईवे और रेलवे पर करीब 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हाईवे और रेलवे 24 लाख करोड़। अगर कांग्रेस की सरकार होती और राजीव गांधी ने जो कहा था उस प्रकार से अगर हम विचार करें तो इसमें से 24 लाख करोड़ में से 20 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते। न रेल बनती न रोड बनता। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे गरीबों के बैंक खाते में जमा किए। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से 24 लाख करोड़ रुपए 85 पैसों के हिसाब से 24 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते। साथियों, और जब लूट की बात होती है ना तो कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस देश के हर नागरिक को, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, दिव्यांग हो, महिला हो, युवा हो, सबको समान भाव से लूटती है। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने आदिवासी बच्चों को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पढ़ाई के लिए भेजे हैं। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से 19,000 करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाता। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने पानी सुविधाओं के लिए 4.25 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी 3.25 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते। आप कल्पना कर सकते हैं इसका कितना बड़ा नुकसान हमारी राजस्थान की माताओं, बहनों, बेटियों को भी उठाना पड़ता। साथियों, गरीब का सबसे बड़ा सपना उसका अपना घर होता है। कांग्रेस सरकार के समय गरीबों को जो घर मिलते थे वो 4 दीवारों के खंडहर बन के रह जाते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि कांग्रेस गरीब के घरों को भी लूट लेती थी। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने 2,25,000 करोड़ रुपए 2,25,000 करोड़ रुपए गरीबों को घर बनाने के लिए दिए हैं। अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसमें से 2 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते। बाकी बचे 25,000 करोड़ रुपए में घर न बनता, खंडहर ही बनते, घर का सपना कभी पूरा नहीं होता। साथियों, बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत करीब 24 लाख करोड़ रुपए की मदद मेरे देश के युवाओं को की है। ये पैसा भी पूरा का पूरा युवाओं के बैंक खातों में गया है।